यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख, आपका धन्यवाद। तो सादा फातिमा को जिताना है और इनको ओम प्रकाश को हराना है। और ओम प्रकाश जी पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ के और विकास के नाम पे कुछ नहीं किए हैं। तो क्या समाजवादी के साथ है या किसी के साथ है, उनको जीतना नहीं है। पूरे 5 साल में कभी दिखाइए नहीं दिए हैं, उनका एक भी शिलापट नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनको तो जनता पसंद नहीं करेगी। जिसने अपने कार्यकाल में काम किया है उसको जनता पसंद। यूपी तक का कारवां गाजीपुर की हॉट सीट जहूराबाद के कासिमाबाद तहसील मुख्यालय पे आ चुका है। आज हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे जनता का मिजाज क्या है। आपको बता दें कि यहीं से 2017 में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार विधायक बने थे और योगी सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन उनकी शिकायतें कुछ ऐसी रहीं कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल से दूर होना पड़ा। आज फिर 2022 में वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और क्या है यहाँ जनता का मिजाज, क्योंकि यहाँ पे उनके पहले उनको हरा चुकी हैं जो शादाब फातिमा, वो यहाँ से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का मन बना चुकी हैं और जनता से मिल चुकी हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है भाई साहब आपका? जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश जी, क्या मूड है यहाँ की जनता का? यहाँ की जनता का मूड है विकास जी, और शादाब फातिमा को जिताना है और इनको ओम प्रकाश को हराना है। पिछली बार आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को जिताया था, तो 5 साल उन्होंने काम किया, क्या किया उन्होंने क्षेत्र में, कुछ विकास किया? क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, शादाब फातिमा के द्वारा बहुत विकास हुआ है। तो इस बार ओम प्रकाश राजभर फिर आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? इनको जाना है, इनको इस बार जनता जो है नकार रही है, इनको जाना है। जयप्रकाश जी का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर ने काम नहीं किया और वो जाना है, तो बात करते हैं कि क्या ऐसा कारण है। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, मजदूर हैं। अच्छा, इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? हाँ। तो रमेश जी, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस बार हमारी मंत्री जी जीतेंगी, शादाब फातिमा जी, और ओम प्रकाश जी पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ के और विकास के नाम पे कुछ नहीं किए हैं। नहीं, 5 साल वो वहाँ यहाँ मंत्री भी थे बीच में, फिर उसके बाद वो 5 साल यहाँ के विधायक रहे, तो क्या वो क्षेत्र में आते नहीं थे? आते थे, बहुत कम आते थे, हम लोग तो देखते भी नहीं थे उनको। और मंत्री जी हमारे हर काम में मंत्री थी या न थी, लेकिन वो हमेशा आती थी, हमारे हर दुख सुख में आती हैं और हमारे रोड का विकास भी की है, गली गली में रोड खड़ंजा हुआ, और 5 साल ये रहे ओम प्रकाश जी कुछ नहीं किए हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? अफजल इमाम जी। अफजल साहब, क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड ये है कि ओम प्रकाश जी कोई काम नहीं किए हैं, आप 5 साल में वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाए। तो क्या लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ अब वो आ चुके हैं, तो नहीं, क्या तो समाजवादी के साथ है या किसी के साथ है, उनको जीतना नहीं है। तो यहाँ पे किसका पल्ला भारी है? यहाँ पे शादाब फातिमा का पल्ला भारी है। यहाँ पे कौन कौन से प्रत्याशी आ चुके हैं, किस किस दल के? इसके आ चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी और बहुजन समाज पार्टी से भी बुझारत जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रत्याशी नहीं है। यहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे कालीचरण जी, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, वो भी 10 साल विधायक रहे लेकिन कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। क्या बात है, शादाब फातिमा को लोग यहाँ क्यों पसंद करते हैं? जो काम करेगा लोग उसी को पसंद करेंगे, जो काम करेगा उसको जनता पसंद करेगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए बात करते हैं। भाई आपका क्या नाम है? बीरबल चौहान जी। बीरबल जी, क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है आपके कासिमाबाद में? शादाब फातिमा। अरे, सब लोग यहाँ समर्थक शादाब फातिमा के ही हैं क्या? नहीं, समर्थक नहीं, उनका काम बोलता है ना, उनका काम बोलता है। जहूराबाद में उनका काम सबसे अधिक है, और 5 साल में जितना उन्होंने काम किया है कोई प्रत्याशी आता कोई काम न किया है न कोई करेगा। 2017 में वो यहाँ से नहीं लड़ी? नहीं लड़ी। क्यों? उनको टिकट ही नहीं दिया गया। तो क्या लगता है आप लोगों ने उनको मिस किया? बहुत मिस किया, पूरी जनता ने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया है। शादाब फातिमा को 2017 में, आपको अपडेट कर दें कि 2017 में शादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी में जो घर की लड़ाई थी उसमें उनका टिकट काट के महेंद्र चौहान को यहाँ से सपा ने प्रत्याशी बनाकर उतारा था,
जिन्हें ओम प्रकाश राजभर ने हराया था। आइए बढ़ते हैं आगे। आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह। दिनेश जी, क्या मूड है इस बार? मूड तो है इस बार की मतलब भाजपा आ जाएंगी, सादात जी तो ठीक है, नहीं तो फिर तो भाजपा के साथ हम लोग रहेंगे। तो पिछली बार आप लोग ओम प्रकाश राजभर को जिताए थे, इस बार क्या मूड है? इस बार मूड ये है कि सादात जी अगर जो आ जाती हैं किसी भी पार्टी से तो उनके साथ हम लोग रहेंगे, और नहीं आती हैं तो फिर भाजपा वोट दिया जाएगा। 2017 में शादा फातिमा को टिकट नहीं मिला, इसकी वजह क्या मानती है जनता? इसकी वजह मानती है ऊपर का विवाद, समाजवादी पार्टी में जो विवाद जो था उसके वजह से उनको टिकट नहीं मिला जी। और यहाँ जितना हमारे यहाँ रोड पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से 12 चबर तक इधर जो है सब काम सादा फातिमा जी का ही है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, पावर हाउस हमारे यहाँ बना हुआ है, यहाँ तहसील लाकर उन्होंने दिया है, उनके जैसा कोई काम नहीं। तो यहाँ जातिवाद हावी रहेगा कि विकास? नहीं, विकास हावी रहेगा, विकास हावी क्षेत्र में विकास हावी रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? अजीत कुमार सिंह। अजीत जी, क्या लगता है इस बार क्या मूड रहेगा? इस बार फातिमा जी को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए और जीतना चाहिए। क्या वजह है कि लोग बहुत काफी उन्होंने विकास किया है, जहूराबाद धरती पर जैसे तहसील बनवाया, पावर हाउस बनवाया उन्होंने, PSC बनवाया, रोड का भी विकास किया। मैं देख रहा हूँ आप यहाँ व्यापारी हैं, आपकी मेडिकल एजेंसी भी है, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या लगता है कि जातिवाद यहाँ पे परमन हावी था, अब क्या विकास हावी हो जाएगा? विकास यहाँ भी, इसलिए कि 5 साल में कोई विकास नहीं यहाँ हुआ जो कि आप सदा फातिमा जी ने किया है। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि फातिमा जी फिलियाँ जीत के जाए। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो क्या होगा? कोई बहुत मतलब उसका असर नहीं पड़ने वाला, फातिमा जी आएंगे तो जी। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद इफ्तिखार। क्या लग रहा है इस बार क्या मूड है जनता का? सदा फातिमा। तो सदा फातिमा के सारे लोग समर्थक हैं क्या यहाँ? जहूराबाद के जो एक बार दो ही आदमी जो है काम किए, सदा फातिमा और कांग्रेस के नेता थे सुरेंद्र सिंह। काफी पहले उत्तर प्रदेश सरकार में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी थे। और क्या बीच में तो 20 साल का एक गैप था, क्या इस बीच में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। और ये जो बीता है 5 साल उसमें भी नहीं। ओम प्रकाश राजभर की क्या स्थिति रहेगी? बिल्कुल खराब। समाजवादी पार्टी से वो इस बार आ रहे हैं तो समीकरण जो है वो उनके पक्ष में कितना है? कुछ नहीं है। क्या बात है। मैं यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये मोदी चाय की दुकान है। जी, जी। तो मैं बात करता हूँ, कौन है मोदी चाय वाले भाई? ये भैया आपके पास मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, मोदी भैया बताओ आपकी दुकान जो है वो क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये पकौड़ा बना रहे हैं जी, पकौड़ा। भैया आलोक जी से मैं कहूंगा कि जरा सा दिखाएं मोदी, ये मोदी चाय दुकान क्यों कहा जाता है? लोग प्रेम से मुझे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की हम प्रशंसा करते हैं, मोदी जी अच्छे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी अच्छे काम। और योगी? योगी भी है। मोदी जी का एक डायलॉग है कि यूपी के लिए योगी है उपयोगी। उपयोगी कैसे उपयोगी है? काम करते जो मोदी जी काम। आपकी दुकान के बाहर सब शादाब फातिमा की रट लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शादाब फातिमा जी इस क्षेत्र की विधायक रही हैं, उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर, पावर हाउस ला दिया, कचहरी ला दिया, रोड बनवा दिया, वो जमीनी नेता है। तो यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी दोबारा? ओम प्रकाश राजभर भी तो कोई देखे नहीं है आज तक। अरे आज तक कोई नाली खलंजा कुछ भी नहीं बनवाया है, आज तक हम उनको देखे नहीं है। और फातिमा जी की तो तमाम जनता प्रशंसा कर रही है। अच्छा अच्छा, जहूराबाद जी। तो क्या लगता है इस बार का सीन किसको रहेगा? अगर मोदी जी का वोट, अगर शादाब फातिमा और भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट ओम प्रकाश राजभर और बसपा है तो आपकी च्वाइस क्या रहेगा? ज्यादा वोट जो है शादाब फातिमा के साथ जाएगा। तो क्या शादाब फातिमा गेम चेंजर बनेंगी? अभी तो भविष्य बताएगा, लेकिन अच्छी नेता है, जमीनी नेता है, हर जात में हर वर्ग में उनका जो है सम्मान होता है, लोगों से मिलती जुलती। ये थे इस चाय की दुकान के मालिक, और देखिए पकौड़ी बना रहे हैं। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? अरे बहुत साल ही है, बहुत साल हो गया। जैसे कितनी? कम से कम 30 बरस से ऊपर हो गया। 30 साल से ज्यादा की इनकी दुकान हो गई। और ये बता रहे हैं कि ये मोदी और योगी को पसंद करते हैं, बावजूद इसके वो शादाब फातिमा को अच्छा नेता भी बता रहे हैं।
मेरे साथ एक सज्जन और खड़े हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? अक्षय ठाकुर। अक्षय ठाकुर जी, क्या करते हैं अक्षय ठाकुर जी? इस समय काम कर रहे हैं ठीका वाला। अच्छा, ठेकेदार है। क्या लगता है इस बार क्या मूड है आपके क्षेत्र का? क्षेत्र का मूड है सदा फातिमा जी बहुत विकास किए हैं यहाँ। ओम प्रकाश राजभर तो दिखाई नहीं देते हैं, जब वोट मांगना था तो आते थे, उसके बाद पता ही नहीं चला कि कहाँ। ओम प्रकाश राजभर का जितना बयान आता है और क्या क्षेत्र में उतना चक्कर नहीं लगता है? चक्कर नहीं लगता, दिखाई नहीं देते। अरे दिखाई नहीं देते, क्या होगा? क्या होगा है कि बुरी तरह से पराजय होगा उनका, और क्या होगा। मेरे साथ एक सज्जन और है, आपका क्या नाम है भाई? हरिंदर कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या मूड है इस बार जनता का? जनता जो जिस जो विकास किया है उसको तरास रही है कि कब आए और उसके साथ हम लोग हो जाएं। भाई यहाँ पे जैसे आपके बहुजन समाज पार्टी से बुजारत राजभर जी आ चुके हैं जी, यहाँ से बहुत हॉट सीट जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की जहूराबाद बनी हुई है, ओम प्रकाश राजभर जी ने घोषणा कर दिया है कि मैं जा रहा हूँ फिर लड़ने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी, तो कौन ऐसे में कौन? ओम प्रकाश जी तो पूरे 5 साल में कभी दिखाइए नहीं दिए हैं, उनका एक भी शिलापट नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनको तो जनता पसंद नहीं करेगी। जिसने अपने कार्यकाल में काम किया है उसको जनता पसंद करेगी। तो ओम प्रकाश राजभर के क्षेत्र में हम लोग कासिमाबाद तहसील मुख्यालय में मोदी जी की चाय की दुकान पे हैं। मोदी जी की जो चाय की दुकान जो मशहूर है वो आपका, वो भी बताते हैं कि कभी दिखाई नहीं दिए। आइए आइए, आप इधर आइए, आपसे भी बात कर लें। क्या नाम है आपका? सलमान नाम है। सलमान, क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का? देखिए, यहाँ पे काम जितना भी हुआ है जहूराबाद विधानसभा में, यहाँ पे माननीय पूर्व विधायक हैं हमारी, उन्हीं का काम जहूराबाद। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी से ये माना जा रहा है कि जो आएगा उसको जातीय समीकरण ऐसा है जिसमें कि मुसलमान, यादव और बैकवर्ड और सारी जातियों का वोट मिलना है, तो इस बार जाति हावी रहेगी कि विकास हावी रहेगा? किसको आप वोट करेंगे? देखिए, विकास, युवा को विकास चाहिए। युवा जो है, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं उनको विकास चाहिए होता है। काम तो यहाँ सदा फातिमा ही जितना कराई हैं, उसके बाद काम बहुत कम हुआ है यहाँ पे। काम बहुत कम क्या हुआ है, हुआ ही नहीं है। क्या 5 साल ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से जीत के विधायक थे, 2-3 साल मंत्री थे, तो उनका विकास नहीं हुआ? 2 साल वो तो अपने घर का रोड नहीं बनवा पाए, वो कहते भी हैं कि हम तो अपने घर का भी रोड नहीं बनवा पाए। तो इस बार क्या होगा उनका? अब उनका बाहर है मैदान में, अब जो होगा, लेकिन जनता यहाँ पे आप देख ही लिए हैं, आप नहीं। जैसा कि शादाब फातिमा ने घोषणा कर दी है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, यहाँ घर घर जानता है सब उनको। शादाब फातिमा जिले में एक बार सदर से विधायक रही हैं, एक बार जहूराबाद से विधायक, कभी कोई यहाँ से समाजवादी पार्टी का जीता नहीं था यहाँ पे विधायक, उन्होंने आके खाता खोला यहाँ पे, और उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब लड़ी हैं चुनाव तो जीती हैं। सलमान ने कहा है कि शादाब फातिमा की तारीफ करते हुए कि शादाब फातिमा जब भी आई हैं तो वो जीती हैं, और भीड़ बहुत हो गई है। मेरे साथ एक साहब हैं, असलम साहब, मोदी जी की चाय की दुकान पे हैं और बड़े मशहूर आदमी हैं। क्यों मशहूर हैं साहब आप? हम लोग समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते हैं, तो क्या लगता है, सच बताइएगा, सच बता रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है ओम प्रकाश राजभर की? जमीनी हकीकत उनकी कुछ नहीं है यहाँ, और यहाँ सादा फातिमा ने जनहित का काम कराया है। मऊ से मोहम्मदाबाद तक का रोड बनाया, चौड़ाकरण कराया, गंगौली से बाराचौर गांधीनगर तक रोड को चौड़ा कराया, कटवा मोड़ से सीधागढ़ तक का रोड बनाया, जनहित में तहसील बनवाया, 132 केवीए का कासिमाबाद में पावर हाउस लगवाया, और ऐसी 650 रोडों को उन्होंने बनवाया है, नहर को पक्का कराया, और जनहित के मुद्दे पर लगातार काम कर रही हैं। इसलिए हम लोग सादा फातिमा को वोट देते हैं और देंगे। ऐसा लोग बता रहे थे कि आप उनके बहुत ही करीबी हैं, तो आप एक बात बताएं कि शादाब फातिमा को 2017 में टिकट फिर क्यों नहीं मिला इतनी लोकप्रिय थी? 2017 में उनका पारिवारिक आपसी विवाद था, इसलिए उनका पारिवारिक विवाद, माननीय अखिलेश भाई का पारिवारिक विवाद था, माननीय शिवपाल जी का विवाद था उनसे, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया, और कोई वजह नहीं थी। तो इनका टिकट क्यों कट गया? इतने प्रत्याशी थे, क्या ये शिवपाल जी के कोटे में थी? हाँ, शिवपाल जी के कोटे से थी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं। इस वक्त मौजूदा समय में
क्या सीन है, वो यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या करेंगे? घोषणा कर चुके हैं, निर्दल प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। और अगर दबाव पड़ा तो? नहीं, कोई दबाव नहीं है, हम जनहित के मुद्दे पर हमारी जनता कर रही है, इसलिए जनता जब सुप्रीम कोर्ट थक जाता तो जनता के बीच में जाती है। हम भी जब आए हैं जनता के बीच में, मंत्री जी आई थी, कल चली हैं यहाँ क्षेत्रीय में, जनता ने लगातार कहा कि आप चुनाव लड़िए, इसलिए चुनाव लड़ना तय है। अगर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है तो? किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, हम जहोराबाद से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से चुनाव सादा फातिमा जीतेंगे। ये असलम साहब थे और ये 5 साल शादाब फातिमा जब मंत्री थी तो उनके साथ चले हैं। कुछ लोग हमारे साथ क्षेत्र के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा? रामानंद। रामानंद जी, रामानंद यादव जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है आपका? आपके जाति के लोग तो इस वक्त बम बम बोल रहे हैं। वो सब बोल रहे हैं लेकिन इनका माहौल बहुत अच्छा है। किसका? सदा फातिमा जी का। क्यों? इसलिए कि क्षेत्र में बहुत उसने काम किया है। एक लाइन में अगर पूछूं तो यहाँ इस बार का चुनाव जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के आने की वजह से ये जहूराबाद सीट हॉट सीट बन चुकी है, तो यहाँ जातिवाद हावी रहेगा या विकास हावी रहेगा, किसके? उन लोगों का सब देख लिया गया है, लेकिन ये जो काम किया है इतना काम कोई नहीं किया है, इसलिए इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो काम करेगा वो जीतेगा, बड़ी सीधी सी बात है क्षेत्र की जनता का। और अब आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता ये मानती है कि शादाब फातिमा ने बहुत विकास किया है, ऐसे में शादाब फातिमा अगर लड़ती हैं तो वो यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का खेल बिगाड़ सकती हैं। विनय कुमार सिंह, कासिमाबाद से यूपी तक के लिए।